शरद पूर्णिमा में पूजा करने से मिलता है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। नमस्कार, एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में शरद पूर्णिमा की विशेष पूजा को जानेंगे। अश्विन माह के पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है और शरद पूर्णिमा को कई जगह लोग कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी का पूजा किया जाता है और इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह नहीं बल्कि रात के समय पूजा की जाती है। रात को पूजा करने से पहले घर की सफाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पूजन करने का विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। भ्रमण करते समय मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं जहां लोग जगे रहते हैं और वहां साफ सफाई भी हो। इसी वजह से शरद पूर्णिमा के दिन रात में पूजा किया जाता है। शाम के समय घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थल को सजाएं। इस दिन मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए खीर अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का प्रिय भोग है। शरद पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय को भी जानना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे आर्थिक तंगी में शरद पूर्णिमा के दिन रात में मां लक्ष्मी की पूजा करने से पहले 5 कौड़ियां मां को चढ़ाएं। दूसरे दिन लाल या पीले कपड़े में इन कौड़ियों को लपेट कर तिजोरी में रखें। निरोगी रहने के लिए या फिर अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार चल रहा है तो शरद पूर्णिमा की रात छत पर खीर बना के रख दें। दूसरे दिन रोगी को इसको सेवन करवाएं। बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी के साथ नौकरी में प्रमोशन के लिए शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के सामने चौमुख दीपक जलाएं। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद तुलसी पूजा करें और शाम को दीपक जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ तुलसी को सफ़ेद रंग के कोई भी मिठाई का भोग लगवाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को सिंघाड़े, दही, मखाने, बतासे और पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अपने रिलेटिव्स और अपने जानने वालों को विशेष पूजा के बारे में बताइए। अगले कार्यक्रम में किसी और विषय पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।